सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल एंगल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं टेक्निकल एंगल। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में, तो आज हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है और ये किस तरह से काम करते हैं। तो आइए जानिए डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में। तो रियलिटी यानी कि हकीकत, वर्चुअल यानी कि असलियत में नहीं है। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है कि आप एक हेडसेट पहन के, जो कि आपके फ़ोन के साथ लगा हुआ हो सकता है, फ़ोन से पावर ले रहा होगा, या वो एक सेपरेट डिवाइस हो सकता है जिसकी खुद की पावर हो, उस हेडसेट को पहन के आप वर्चुअली कहीं भी जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक हेडसेट है जो कि मैंने अपने सर पर लगाया हुआ है और वो हेडसेट पहनने के बाद मुझे उसके अंदर से एक आईफेल टावर का प्रोग्राम नज़र आता है। तो फिजिकली मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं वर्चुअली यानी कि मेरा ब्रेन ये एहसास दिलाएगा कि मैं आईफेल टावर के सामने खड़ा हूँ। मैं लेफ्ट देखूंगा तो मुझे आईफेल टावर का लेफ्ट साइड का वर्जन दिखेगा, राइट देखूंगा तो राइट साइड का जो भी डिटेल होगा उस जगह का वो दिखेगा। तो बेसिकली जो आईफेल टावर का एरिया है वो 360 डिग्री में शूट हुआ होगा और वो मुझे सारा का सारा मेरे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के थ्रू मुझे नजर आ रहा होगा। वर्चुअल रियलिटी के लिए मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। वर्चुअल रियलिटी के लिए एक गूगल का कार्डबोर्ड डिवाइस आया था, जिसमें कि वो एक कार्डबोर्ड का एक फ्रेम होता था जिसमें कि आप आगे सामने की तरफ अपना एक स्मार्टफोन लगा सकते हैं और स्मार्टफोन लगाने के बाद उसमें आपको एक वर्चुअल 3D पर्सपेक्टिव मिलता था, जिसके ज़रिए आपको ये लगता था कि आप वर्चुअली उस दुनिया में पहुंच गए हैं जहां पर जिस चीज़ का आपको प्रोग्राम लोड करके दिखाया जा रहा है, पर वास्तव में यानी रियलिटी में आप वहीं खड़े हैं जहां पर आप हैं। ठीक है, तो ये होता था वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट। तो वर्चुअल रियलिटी का आपने एक एग्जांपल सुना जो कि है गूगल कार्डबोर्ड। अगर मैं हाई एंड एग्जांपल लूँ तो इसमें आता है ऑक्यूलस रिफ्ट, जो कि काफ़ी टाइम से वर्चुअल रियलिटी में काम कर रही है। फिर उसके बाद सैमसंग गियर्स VR आता है। तो इसी तरह से ये वर्चुअल रियलिटी में ये सारे डिवाइसेस काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के थ्रू। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि हमारा है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली क्या होती है, ये आपकी एग्जिस्टिंग रियलिटी को चेंज नहीं करती। मान लीजिए आपका सोफा, मेज, कुर्सी जहां पड़ा है वो वहीं रहेगा, लेकिन आपको उसके अंदर एक 3D पर्सपेक्टिव नजर आएगा। जैसे कि आप इसमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर तो गूगल ग्लास आपको पता होंगे, तो गूगल ग्लास में क्या होता है कि आपके राइट साइड पर ग्लासेस पे एक छोटा सा मिरर होता है जिसके थ्रू आप ऑगमेंटेड रियलिटी वाला वर्जन देख सकते हैं, जिसमें कि पर्टिकुलर जगह पर, जैसे मान लीजिए आपका सोफा है उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स आ रही होगी, आपकी एग्जिस्टिंग रियलिटी के अंदर एडिशनल चीज यानी कि एक चीज जोड़ दी जाती है उसके अंदर। तो इसका अगर मैं आपको गेमिंग के रूप में उदाहरण दूं तो आप मान सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक डाइनिंग हॉल है तो आपका फर्नीचर वगैरह सब कुछ वहीं पड़ा है, तो मान लीजिए उसमें से दीवार तोड़ के राक्षस आ रहा है तो आपको उससे लड़ना होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एग्जिस्टिंग रियलिटी को ऑगमेंट यानी मॉडिफाई करके दिखाती है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में आपकी सराउंडिंग में ही नई चीज़ें क्रिएट हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डायनासोर है जो कि मुझे सामने दिख रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी ने सामने दीवार पर चिपका दिए तो ऐसा दिख रहा होगा, बल्कि वो एक 3D एस्पेक्ट होगा उसका। तो मैं अगर उसके चारों तरफ घूमूंगा तो मुझे लगेगा फर्श पे खड़ा हुआ है कुछ। तो आने वाले टाइम में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी बहुत ही धमाल मचाने वाली है। तो हम लोग जब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी की तो हम वर्चुअली किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, पर हम फिजिकली यहीं खड़े हैं। और ऑगमेंटेड रियलिटी में हम एग्जिस्टिंग अपनी दुनिया में ही रहते हैं और इसके अंदर कोई 3D पिक्चर या एस्पेक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि हमें नजर आता है ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइसेस के थ्रू। तो आशा करता हूं आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। मैं आपसे मिलता रहूंगा इसी तरह और नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल एंगल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।